महेश कॉटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड गंगाखेड़ परभणी के डायरेक्टर प्रीतेश भंडारी से commoditiescontrol.com ने कॉटन के उत्पादन, आने वाले दिनों में प्राइस मूवमेंट, कॉटन सीड और कॉटन ऑयल केक में होने वाले उतार चढ़ाव पर बातचीत की। प्रीतेश जी, ये बताइए कि महाराष्ट्र में इस साल कितना कॉटन पैदा होने का अनुमान है और इसकी क्वालिटी और माइक कैसी है? इस साल गए साल जितना ही कपास आएगा या 10% कम ज़्यादा हो सकता है, किसी एरिया में ज़्यादा भी है किसी एरिया में कम भी है, लेकिन ग्रॉस में ज़्यादा से ज़्यादा 5% का माइनस या प्लस हो सकता है। और क्वालिटी लास्ट ईयर से क्वालिटी इस साल अच्छी है माइक में। ये ज़रूरी है कि क्वांटिटी कम हुई है कपास का प्रोडक्शन की, लेकिन माइक अच्छा हुआ है। लास्ट में जो बारिश हुई है उसकी वजह से माइक अच्छा भी है और कुछ यील्ड में कम भी आया। ये अभी इस समय कॉटन में एक्सपोर्टर्स की डिमांड किस तरह देखने को मिल रही है? 90% एक्सपोर्टर्स को ही अभी खरीदी है, तो वो भी अभी कोई स्टॉक नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी ट्रेडर ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। और जीनिंग प्रेसिंग मिलें चलाने के लिए इस समय क्या कॉटन की जो अवेलेबिलिटी है वो कैसी है? आज की तारीख में सफिशियंट है और आने वाले और 1.5 से 2 महीने तक ये अच्छी रहेगी। तो वैसे किसानों की जो आवक है वो किस स्तर पर ज़्यादा बढ़ सकती है? किसानों की आवक तो जैसा ये रेट अगर स्टेबल रहे 8 दिन 15 दिन तो रहेगी, रेट में फ्लक्चुएशन आ गया तो अराइवल पे उसका इफेक्ट होगा। वैसे उनकी धारणा तो 5,000 की थी, लेकिन ये चालू हो गया आज 1 से 1.5 महीना हो गया है, फिर भी ये रेट नहीं मिल रहे तो अब प्रेशर बन गया, उनकी एक मनोबलता हो गई है कि ये रेट में अपन ने देना चाहिए, ऐसा उनका एक ये हो गया है। जी प्रीतेश जी, जनवरी से कॉटन के दामों में सीजन के आखिर तक किस तरह का मूवमेंट होता दिख सकता है? ये तारीख में कम होने की तो संभावना कम है और बढ़ने की ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन बढ़ने की उम्मीद है। फिर भी आप एक क्या प्राइस रेंज मोटे तौर पर मानते हैं? तौर पर यही 5,000 तक कपास जाएगा ये मार्च एंड या अप्रैल में। कॉटन सीड और कॉटन ऑयल केक की बात करें तो उसमें किस तरह की डिमांड है और क्या प्राइस रह सकते आने वाले दिनों में? कॉटन केक अभी तो 1350 से 1400 के रेंज में चल रहा है, नीचे में 1300 रुपये क्विंटल तक कॉटन केक आया था, तो जब स्टॉकिस्ट वालों ने इन्वॉल्यूशन हो गए, जैसे मिल वालों ने रेट फिर बढ़ा दिए है, और आज के तारीख में भी ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा डिमांड नहीं है, ये जो रोज ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए डिमांड नहीं है, स्टॉकिस्ट में ही डिमांड है। फिर भी 1350 रुपये के नीचे कोई आने की संभावना नहीं है, उससे नीचे उतर गए तो स्टॉकिस्ट वाले आ रहे हैं, और ऊंचे में ये 1600 तक का अनुमान सबका लग रहा है। आपके क्षेत्र में CCI का क्या रुख है? CCI हमारे गंगाखेड़ में तो नहीं है, परभणी में है, लेकिन इस साल उतना कुछ उनका नहीं रहा है। जी प्रीतेश जी, आपने commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए धन्यवाद।